गुना संसदीय क्षेत्र में आज पिछोर क्षेत्र में वोटिंग के दौरान ग्राम पंचायत लबहिंडा पोलिंग क्रमांक 80 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा चुनाव को कराया जा रहा है। प्रभावित पीठासीन अधिकारी ने मतदाताओं की पर्ची फाड़ दी। पुलिसकर्मी द्वारा ग्रामीणों को और मतदाताओं को गाली गलौज कर उन्हें मतदान करने से रोका गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य दिनेश लोधी ने बताया कि BLO द्वारा जो पर्ची दी जा रही है वह पीठासीन अधिकारी मान्य नहीं कर रहा है और मतदाताओं की पर्ची फाड़ दे रहा है, जिससे वोटिंग प्रतिशत भी कम हो रहा है। इस मामले में पूर्व सरपंच जमुना प्रसाद ने बताया कि कई मतदाताओं की पर्ची पीठासीन अधिकारी ने फाड़ दी है और उन्हें पुलिस द्वारा डरा धमका कर मतदान करने से रोका गया। इस तरह से मतदान को पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रभावित किया गया। सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। जमुना प्रसाद, पूर्व सरपंच लबहिंडा। पूर्व सरपंच है आप, हाँ। यहाँ पोलिंग बूथ पे क्या समस्या आ रही है? जी सर, हमारी पर्ची है और इससे वोट नहीं डाले, BLO के दस्तखत करा के लाओ इस पे। अच्छा, कौन कह रहा है? पीठासीन अधिकारी। अच्छा, ऐसा कितने वोटरों को, मतदाताओं को परेशान किया है? मैं तो अपने पास, मैं अपनी कह रहा हूँ, किसी की नहीं कह रहा हूँ। और भी मतदाता परेशान हो रहा है? हाँ, हो रहा है ना। कैयों की पर्ची फटा के फेंक दी है दूसरी बना BLO की पर्ची? पीटरसन ने। पीटरसन अधिकारी तो मतदान करने में पीटरसन अधिकारी दिक्कत दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस हम तो यही समस्या, और तो कोई समस्या। क्या नाम है आपका? मैं दिनेश लोधी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। सर, यहाँ लबहिंडा पंचायत में जो वोटिंग हो रही है लोकसभा की, क्या समस्या आ रही है? मैं 12:30-1 बजे के लगभग यहाँ वोट करने आया तो यहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, तो ग्रामीण द्वारा बताया गया कि यहाँ जो BLO की पर्ची हैं वो जो पीठासीन अधिकारी है उनको मान्य नहीं कर रहे हैं और कुछ पर्चियों को फर्जी फाड़ के भी फेंकी गई हैं। तो मैंने इन सब लोगों से बात की, जो कि उनके वीडियो में आपसे भी कहा कि इस तरह का काम हुआ है, परंतु इसके बाद जो माननीय जो पुलिस अधिकारी आए वो भी उसी वार्तालाप में कि नहीं साहब, आप लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और अभद्रता का परिचय दिया, जिससे ग्रामीण में रोष है। आज भी अभी भी आप उनसे पूछ सकते हैं कि किस तरह का अभद्रता किया, परंतु मैं यही निवेदन करूंगा पूरी पब्लिक से कि अधिक से अधिक वोट डालें और इस महान पर्व को सफल बनाए और जनता अपने वोट का उपयोग करे। तो मान जो जिम्मेदार अधिकारी पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वो चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं क्या? ऐसा लग रहा है कुछ मानसिकता खराब लग रही है, क्योंकि जैसे माननीय जो पुलिस अधिकारी वो आप CCTV में देख सकते हैं कि अंदर रहे 10 से 15 मिनट, और अधिकारी भी वोट डालने को मना कर रहे हैं किसी के बिना BLO की पर्ची को, तो ऐसा लग रहा है किसी मानसिकता के शिकार हैं। कोई पर्ची वगैरह भी फाड़ी? यस, फाड़ी है साहब। क्यों, ये तो आप पूछ सकते हैं ग्रामीणों से, पर्ची फाड़ी, वो आपके सामने प्रूफ देंगे, पर्ची फाड़ी है और बाकायदा एक नहीं 4-6 पर्ची फाड़ी गई हैं BLO की जिन्हें